हमारी व्हाइट वाली चीनी मुर्गी जंप लगाकर छत के ऊपर चली गई है। इसके पर कटे हुए हैं लेकिन फिर भी ना इतने ज्यादा ऊपर तक उड़ लेती है। अब ये नीचे नहीं आ पा रही, नीचे आना चाह रही है लेकिन इसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। शायद इतनी ज्यादा हाइट देख के ये डर रही है। और बाकी तीनों नीचे हैं, उन्हीं को देखकर अब नीचे आएगी। इसको चाहिए यहाँ से इस घर के ऊपर छलांग लगाए और वहां से सीधा नीचे आ जाए। अब पता नहीं ये कैसे नीचे आएगी। बेला को देखे, पूरी रात इसने हमें तंग किया और अभी कितने मजे से यहाँ पर इस चेयर के ऊपर ये सो रही है। और इसका जो खाने वाला बर्तन है वो है यहाँ पर, यहाँ पर साथ में वॉशरूम रखी है। और इसका जो सोने वाला था ना घर, वो हमने अभी भेजा हुआ है ठीक करवाने के लिए, यानी कि वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आएगा, फिर हमारी बेला उसके अंदर सोया करेगी। अभी देखें कितनी शरीफ बनी हुई है, इसको तो पता ही नहीं है। जैसे आज तो मैंने इसको नहलाना भी है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, अच्छे से पानी गर्म करके इसको नहलाएंगे और फिर इसको इसके घर में सुला देंगे। पानी हम एक्वेरियम का चेंज कर रहे हैं और इस मछली की हमें कोई समझ नहीं आ रही। अभी यहाँ पर ये ऐसे पड़ी है ना, इसको हम हाथ लगाएंगे पता चलेगा ये मर चुकी है, लेकिन दो मिनट के बाद यहाँ पर ये भागना दौड़ना शुरू कर देगी। अभी थोड़ी सी देर पहले ना यहाँ पर ऐसे उल्टी पड़ी थी, जो ही मैंने हाथ लगाया यहाँ पर भाग के आ गई है। और अभी अली कह रहा है ये तो बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रही, हालांकि ये सांस भी ले रही है। ये देखें अब इसको, ये देखें ओए होए होए कितनी स्पीड में ओ टक्करे मार रही है। इसने फिर टक्कर मारी और इसने अपना मुंह फिर जख्मी कर लिया होगा। इसको पता नहीं मसला क्या है, ऐसे जैसे मर जाती है लेकिन फिर ठीक हो जाती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब फिर वही ड्रामा इसने शुरू कर दिया, अब यहाँ पर आ चुकी है। अपना मुंह तो इसने जख्मी कर लिया लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे ये देखें उल्टी हो गई है, ये मर गई है। वो दूसरी तो फिर घूम फिर रही है ना, ये घूम फिर भी नहीं रही। इसको सर्दी तो नहीं लग रही, ये कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी देखें ये लें जी, ये जैसे ये बिल्कुल ये अब वो देखें बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। तो हमें इसका कोई समझ ही नहीं आ रही कि इसका क्या करना है। ये कभी ऐसे एक्टिंग करती है जैसे मर गई है और कभी ऐसे लगता है जैसे जिंदा हो गई है। और अभी बिल्कुल ठीक ठाक फिर घूमना शुरू हो गया है। तो हम जल्दी से ना क्या करते हैं, हमने इतना सा पानी निकाला है इसके अंदर, हम इतना ना इतना सा यहाँ तक पानी भर देते हैं। माशाल्लाह से पानी हमने चेंज किया और बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। इस दफा हमें ये रेत चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे थी सेम टू सेम वैसे ही। इस दफा हमारे लिए इस रेत की वजह से बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। लेकिन यहाँ पर ना कुछ चेंजिंग हमने करनी है जो कि बाद में हम करेंगे। देखें हमारी जो फनकार मछली थी ना कैसे बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है, उसके बाद ऐसे लेट गई थी। और बहुत से दोस्त ये कह रहे थे कि यार हीटर को बंद कर दे, तो हीटर काफी दिनों से बंद है। ये देखें ये बिल्कुल साफ सुथरा हुआ है, इसकी तार यहाँ पर उतरी है। अब तो हम हीटर को चलाते ही नहीं है, जब से हमारी मछलियां मरी है पानी धुंधला हुआ ना तब से हमने ना इस हीटर को बिल्कुल बंद ही कर दिया। अली यार ये सेब क्यों नहीं खा रहा, ये कोई बीमार तो नहीं है, इसको सर्दी तो नहीं लगी हुई। इसको जब हमने बाहर निकाला ना तो एकदम से भाग के मेरे हाथ पे आ गया था। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा लाड प्यार करते हैं। अब आओ राजू, आ जाओ इधर, आओ ना, आओ ना मेरे हाथ पे, ये देखो आ ही नहीं रहा। तुम आगे हाथ करो, नहीं आ जाएगा, नहीं आ रहा, वाकई में नहीं आ रहा। ये हमने इसको सेब भी डाला है, ये सेब राजू खा लो ना। राजू गुस्से में है बिल्कुल ठीक लेकिन थोड़ा गुस्से में लग रहा है, तो इसलिए राजू को हम ये नहीं डालते। अली जाके अमरूद तोड़ के लाओ, हम अपने राजू को ताज़ा ताज़ा अमरूद खिलाएंगे। मिला है कोई पका हुआ इतना? हाँ ये वाला ठीक है ना, नरम सा चाहिए, दिखाओ ज़रा। हाँ ये काफ़ी नरम है, इसके अलावा भी और होंगे लेकिन ये कच्चे हैं, हैं मीठे लेकिन पता नहीं राजू ये खाएगा या नहीं खाएगा। हम राजू को ये वाला अमरूद जो है ना, ये वाला इससे नरम भी मिलता है तो ले आओ, वरना फिर यही वाला हम राजू को खिला देते हैं। सीट ये नहीं बुझाओ, ये लो खाओ। हाँ अभी इसने बीज देख लिए हैं, ये खाएगा, ये बीज बड़े शौक से खाता है। अब यहाँ पर कहाँ पर रखें, इधर रखूँगा तो ये नीचे नहीं आएगा। राजू ये लो, इसको पाँव में पकड़ लो, पकड़ लो ना, नखरों में है इस वक्त, इसने अच्छे से खाया हुआ है। हाँ जी ये देखें इतनी ज़्यादा मूँगफली इसने खा लिया ना, तो अब इसीलिए ये नहीं खा रहा। इसको हम यहाँ पर रखते हैं और दूसरा टुकड़ा जो है ना ये हम पार्टनर को खिलाते हैं। पार्टनर ने तो बिल्कुल भी नखरा नहीं करना। ओहो आराम से यार, आराम से आराम से, चलो यहीं पर खा लो। अभी हमने फेंक दिया, पार्टनर हमारी पहुंचने वाली है, बस मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे हटूंगा और पार्टनर ने नीचे उतरकर खाना स्टार्ट कर देना है। पार्टनर ने देखें माशाल्लाह से खाना शुरू कर दिया। अब माली भाई का कुछ ज़्यादा काम होता नहीं है यहाँ पर, गोडी वगैरह ये कर देते हैं, उसके अलावा यहाँ पर अब मशीन तो लगानी नहीं है जब तक सर्दियाँ जाती नहीं है। तो अब माली भाई कहते हैं कि रोज़ाना मैं आया करूँगा या दो दिन के बाद, और इस घास को अच्छे से पानी लगा दिया करूँगा ताकि ये जो घास सफ़ेद सफ़ेद स्टार्ट हो जाता है ना सर्दी की वजह से वो ना हो। ये भी है नहीं है, माली भाई कह रहे हैं ये तोड़ लो, पीले हो गई हैं लेकिन मेरे ख्याल में अभी फुल पीला नहीं हुआ। देखें सब सब्ज़ है,
नहीं हुआ ना अभी है ना। और ये एक ये माली भाई कह रहे हैं इसको तोड़ लो और एक ये तोड़ लो और ये सारे अभी भाई साहब सब्ज हैं, ये भी हम नहीं तोड़ सकते भाई साहब। ये देखो इसके निशान पड़ गए हैं, अच्छा खराब हो जाएगा। तो ये देखो अभी रहना मेरी बात सुनो, जब ये टूट कर हम रोजाना देखेंगे गिरेंगे ना तो हम फिर उठा लेंगे। क्या हुआ है किधर से? और ये अच्छा मैं आया अली कह रहे ज़ॉम्बीज मिल गई हैं, नीचे उतरते हैं फिर देखते हैं। यार इनको रख दो तुम्हें खाने की बड़ी है, नीचे उतरते हैं। किस साइड पे देखी है, इधर गई है? नहीं नहीं किधर, उस साइड वाले कार में, मतलब उस साइड वाली बिल्ली ने हमारी ज़ॉम्बीज को खाया है। यार ये फूल देखे माशाल्लाह कितने फिट है, उस तरफ भी लगे हुए हैं और यहाँ पर नीचे भी लगे हुए हैं। किधर, यहाँ पर इसने ना कहीं इधर इसने कहीं देख लिया। मैं उस दिन यहाँ पर आया था लेकिन मुझे नजर नहीं आए थे, एक मिनट दिखाना जरा। यहाँ पर वाकई में हमारी ज़ॉम्बीज को यहाँ पर लाकर खाया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ किधर गए किधर गए। ये सारे ना पिंक पिंक कलर के हमारी ज़ॉम्बीज के पर हैं। अब यहाँ पर उनके सर वगैरह बाकी जिस्म तो नहीं मिलेंगे क्योंकि बिल्ली यहाँ पर ना इनके अंदर जाकर खाती है। हेलो, क्या पता बिल्ली यहीं पर हो, अभी बिल्ली नहीं है यहाँ कहीं बैठी होती है। अब हमें कन्फर्म हो गया हमारी ज़ॉम्बीज जितनी भी गायब हुई हैं ना उनको किसी और चीज़ ने नहीं बल्कि बिल्ली उठा कर ले गई है और यहाँ पर आकर बिल्ली ने खा लिया। आप क्या ढूंढ रहे हो? अच्छा मुझे लगा कि शायद मटर ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर शलजम नहीं है पता किस साइड में है? उस साइड में है बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई को नहीं बताया। भाई वो छत पे सामने कबूतर उड़ा रहे हैं, उनको आवाज़ दे देते हैं ना फिर हम जो मर्जी है यहाँ से उनकी इजाज़त लेकर खा सकते हैं। हाथ दो भाग के आ जाओ। बंटी उस तरफ कुछ खा रहा है और बबली अपने घर के अंदर है। मुझे थोड़े से दे दो ना बंटी बबली के लिए, हाँ ये इतने से काफ़ी हैं। और ये हम उन वाइट को डालेंगे, ये बाहर नहीं डालेंगे, फिर ये खाना शुरू कर देते हैं। देखिए हमारी बंटी कितने मज़े से, ये बंटी नहीं है बबली, बबली कितने मज़े से खा रहा है, खा रही है बबली। तो ये लो माशाल्लाह इसको कितनी भूख लगी हुई है, इसने खाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पीछे हो ना बबली, ये लो अब यहाँ पर खा लो। किधर किधर किधर, इधर नहीं यार कंधे पर बैठ जाओ, यहाँ पर ठीक है। आज एक बुरी खबर तो यह है कि हमारी असील मुर्गी के दो चूज़े मर गए हैं। एक चूज़ा तो मैंने कल आपको दिखाया था ब्लैक वाला जो कि बीमार था, लेकिन ये वाला जो चूज़ा है ना ये बिल्कुल ठीक ठाक था। इसके पोटे में दाना भी है, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे इसने अपने पाँव के नीचे इसको देखकर मारा, क्योंकि कल तक ये बिल्कुल ठीक ठाक था लेकिन जब हमने सुबह इसको आकर देखा ना तब ये वाला चूज़ा भी मरा हुआ पड़ा था। अभी अभी भाई बेला का घर तैयार करवा के ले आया है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखें इसके अंदर हमने कारपेट रात को ही लगा दी थी, यहाँ पर इसको बिल्कुल फिट कर दिया था। बस बेला थोड़ी सी शरारती है ना तो इसको खींच लेती थी, तो हमने क्या किया कि हमने साइडों पर मज़बूत वाला धागा लगवा दिया इस तरफ भी और यहाँ पर भी। अब साइडें नहीं निकलेंगी लेकिन ये जो बीच में से ये है ना ये निकल सकता है, इसको हम ऊपर नीचे अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। बेला यहाँ पर सोया करेगी और फिर हम इसको बंद भी कर सकते हैं, फिर हमें बेला रात के वक्त ना कम से कम तंग नहीं करेगी। मैं यहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहा था और राजू उस तरफ मेरी कोई नकलें उतारने में लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है, हेलो हेलो और साथ में हंस रहा है। ये देखो पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहा है, थोड़ा सा तीसरे दिखाता हूँ राजू। अभी बस मैंने इसको राजू कह के बुला लिया ना तो अब ये जो है ना बातें करना, वही सीटियाँ बजा रहा है सीटियाँ जा रहा है। राजू क्या हुआ है, क्या हुआ है, कोई मसला है? इसका अभी दिल कर रहा है कि मैं इसको यहाँ से अंदर ले जाऊँ। दोस्तों पहले हमारे इस गार्डन में सिर्फ दो परिंदे घूमा करते थे, शेब अख्तर और अनारकली, लेकिन माशाल्लाह से अब हमारे घर में एक और परिंदा भी आ चुका है जो कि उन्हीं के साथ माशाल्लाह से सुबह से घूम रहा है जब से आया, और ये है फीमेल फ्लेमिंगो की, और इसका मेल भी बहुत बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएगा तो यहाँ पर ये और ज़्यादा प्यारे लगेंगे। देखिए कितना प्यारा ये यहाँ पर, प्यारा नहीं प्यारी, कितनी प्यारी ये यहाँ पर लग रही है, कोई लड़ाई नहीं करते, ये सुबह से एक दूसरे के साथ बस ऐसे ही यहाँ पर घूमे जा रहे हैं। अभी मैं इसके करीब जाऊंगा ना तो इसने भी इनकी तरह भागना शुरू कर देना है, और ये पर फैला कर देखें जब ये ऐसे भागती है तो इतनी प्यारी लगती है। इसके पर बिल्कुल पूरे थे लेकिन जहाँ से आई है ना उन भाई ने बोला है कि इसके पर थोड़े थोड़े काट देना कहीं ये उड़ी ना जाए, तो इसलिए फिर हमें मजबूरन इसके थोड़े थोड़े पर काटने पड़े हैं, लेकिन माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। यहाँ पर आकर ये पानी पीती है और दाना तो अभी इसने नहीं खाया सुबह से, पता नहीं मैंने देखा नहीं है इसको, लेकिन ये माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पर ऐसे भागती हुई। ये देखे माशाल्लाह से इसको मैंने पकड़ा, ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, मुझे काट रही है कब से, ये देखे
इतनी जोर से नहीं काटती, इतना मजा आता है ना ये काटती है, इसकी चूर ही नहीं है ऐसे, बस ये देखे गुस्सा कर रही है। ओए होए होए होए, मैंने इसको कुछ नहीं बोला, ये तो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है ऐसे, और बहुत मासूम और क्यूट सी लग रही है ये देखे। ये काटने की मुझे कोशिश कर रही है अपनी तरफ से लेकिन काट नहीं पा रही। सो क्यूट यार, बहुत प्यारी हो तुम, तुम्हारा मेल भी बहुत जल्द आ जाएगा। मेरा तो दिल कर रहा है मैं बस इसको ऐसे ही पकड़ के रखूं, लेकिन नहीं, ये ज़्यादा तंग हो रही है, डर रही है ना, जंगली है शायद, इस वजह से ये मेरे मुंह पे भी काटती है, इसने मेरे बालों पे भी काटा है, मेरे कान पे भी काटा है, ये देखो जहाँ इसको जगह मिली है ना वहीं पर काटे जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं छोड़ रहा हूँ छोड़ रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, तो चले जी हम इसको छोड़ देते हैं इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाए। ये देखें अब्बू ने इनको यहाँ पर ना पता नहीं पत्ते डाले हैं किसी चीज़ के, और ये कितने मज़े से सारे इंजॉय कर रहे हैं पत्तों को। देखें छोटू गैंग को देखें, साथ में लैला मजनू खा रही हैं, डायनासोर खा रहे हैं, हमारे रानी राजा खा रहे हैं, और ये देखें छोटी मुर्गियाँ, चूजे, मतलब सब खा रहे हैं, और ज़ूम्बीज़ नहीं है ये, ज़ूम्बीज़ तो इस तरफ है ना, ये हैं जी, ये कौन है, चीनी मुर्गियाँ हैं। मैं एक तो इतने ज़्यादा नाम है ना, सारे नाम भूल जाता हूँ, और इस तरफ आज हम नहीं निकालेंगे जी अपने किंग के पैर को। और यहाँ पर अब्बू बता रहे हैं कि हमारी छोटी वाली मुर्गियों ने एक अंडा और दिया, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है माशाल्लाह उतना ही छोटा सा। अली दो अंडे हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं, एक अंडा पहले था ना हमारे पास और एक अंडा, ये दो अंडे, तो हम ये दो अंडे इंक्यूबेटर में रख देते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर ये पड़े रहे तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। इस बेचारी मुर्गी को मैंने डिस्टर्ब कर दिया है, जो ही मैंने अंदर देखे ना अंडा देने के लिए बैठी हुई थी, और अब तो मेरे होते हुए ये नहीं जाएगी। आ गया बर्तन, कल हम अंडे उठाना भूल गए थे क्योंकि अंडे ज़्यादा थे इसलिए हमने उठाए नहीं है, तो अब भी हमें याद आया कि अंडे भी उठाने हैं। अली यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी हो चुकी है, कल थे 5 अंडे, 1 2 3 4 5, और आज 3 अंडे नए आए हैं जिनमें से एक अंडा तो ये टूटा पड़ा जी, ये किसी ने तोड़ दिया, शुक्र है देख लिया। 1 2 ये अंडा देखे कैसे, ये भी बस वैसा ही है जैसा अंडा होता है, दो हो गए हैं ना, तो दो ये रहे, ओए बच गया 3, इसको क्या हुआ है चिपका हुआ है, 4, ये 5, ये 6, और ये रहा 7, और इस सारे घास को हम यहाँ से नीचे फेंक देते हैं, यहाँ की सफाई करते हैं अभी, और फिर हम यहाँ पर नया घास रख देते हैं। माशाल्लाह माल्टे देखें फुल पक चुके हैं, क्योंकि अभी माल्टे पकने का सीज़न हो चुका है ना, तो इसलिए जहाँ जहाँ भी माल्टे लगे हैं सारे पक चुके हैं। अल्फा ब्रावो चार्ली मज़े के साथ अपना चारा खा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही प्यारे हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। बस जब भी ये बहुत प्यारे होते हैं ना मैं इनको दिखा देता हूँ, और फिर अगले ही दिन इनको कोई ना कोई नज़र लग जाती है या कुछ हो जाता है, फिर ये बीमार हो जाते हैं। हम सफ़र का बच्चा अभी तक ठीक से उड़ना नहीं सीखा, अब ये उड़ना, ये देखें उड़ो उड़ो ऐसे भागता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उड़ भी नहीं पाता ठीक से, कुछ दिनों तक ये माशाल्लाह ठीक से उड़ना स्टार्ट कर देगा। और एक बच्चा, दूसरा बच्चा किधर है, एक ही है ना यहाँ पर, मुझे एक ही नज़र आ रहा है माशाल्लाह, दूसरा किधर है, इधर ही होगा कहीं ना कहीं, ये रहा माशाल्लाह बच्चा आ चुका है नीचे, लेकिन नीचे अभी हम इसको नहीं छोड़ेंगे, अपने बाप के पास बैठा था, चलो जी वापिस ऊपर जो अपने घर में, अभी नहीं उतरना जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता ना, तब तक तो इसको अपने घर में ही रहना चाहिए। फिंचेस के माशाल्लाह से बच्चे आ रहे हैं, लेकिन एक दो दिन के बाद ना ये खुद ऊपर चले जाते हैं, अभी एक बच्चा नीचे है और माशाल्लाह से उसकी माँ उसके इर्द गिर्द घूम रही है, उसको छोड़ के नहीं जा रही, और बाप उसका यहीं कहीं बैठा होगा, और अभी भी माशाल्लाह से मटकियों के अंदर बच्चे हैं। कॉकटेल का जो एक बच्चा आया था ना, वो तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है और उस कार्नर में बैठा हुआ है, मैं आपको दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ, ये आजकल थोड़े से शरारती हो चुके हैं, मस्तियाँ करते हैं, वो कार्नर में बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक मैं अंदर नहीं गया कि आपको बता सकूँ कौन से बॉक्स में अंडे हैं या बच्चे हैं। यहाँ पर एक मेल या फीमेल कोई ना कोई बैठा हुआ है, मुझे लगता है कि शायद ये मेल है और इसकी फीमेल बॉक्स के अंदर है। आज सिल्की दोनों चूज़ों को हमने सुबह से यहीं पर रखा हुआ है धूप में, ये एक जो था ना थोड़ा सा जख्मी हो गया है यहाँ गर्दन से, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, इनको हम उस तरफ इसलिए नहीं छोड़े क्योंकि एक बच्चे को ना गर्दन पे चीनी मुर्गी ने मारा है, जो कि यहाँ पर आ चुकी है, इसी ने मारा होगा, ये बहुत तेज़ है, देखें वहाँ से ना इस तरफ आ गई है, तो इसी ने मारा होगा या फिर किसी और ने, लेकिन चीनी मुर्गी ने मारा है, तो इसी डर से ना कि आज फिर उनको कोई ना मारे, हमने उनको इस तरफ रख दिया। ये वाला अमरूद मुझे नरम नरम लग रहा है, इसी को हम तोड़ लेते हैं, और इसको ना हम काट कर इस सामने वाले पेड़ को
और बाकी थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी को डाल देंगे, लेकिन ये वाला ना मुझे पेयर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। फीमेल को देखें मेरे पास आने के लिए कितनी बेचैन हुई जा रही है। खिलाते हैं, टेंशन नहीं लेनी, मैं आ गया हूँ ना तो मैं खिलाऊँगा। यहीं से खा लो ना। हाँ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। उसको तो नहीं आने देगी, बस ये चाहती है कि ये सारा अमरूद ये अकेले खाए। अली इसको उठाना ज़रा। ये रहा छोटा वाला अंडा, और एक अंडा हम यहाँ पर छोटा वाला रख देते हैं। ये जो अंडे हैं अली कह रहे हैं कि इनमें से भी हमें दो तीन यहाँ पर रखने चाहिए, तो ऐसा आराम आराम से हम कर लेते हैं। एक दो और ये तीन अंडे यहाँ पर रख दिए। बंद कर दो। अब इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। आज जब सुबह फ्लेमिंगो हमारे घर आ रही थी, ये वाली फीमेल, तो मैंने अली को बोला कि फ्लेमिंगो आ रही है, तो अली मुझे कहता है कि वही दो छोटे छोटे तोते जिनके सर के कलर चेंज होते हैं हमने बाजार में देखे थे। मैंने उसको बोला हाँ जी वही, उसी को फ्लेमिंगो बोलते हैं। प्लम हेड को ये फ्लेमिंगो समझ रहा था। तो फिर जब मैंने इसको फ्लेमिंगो दिखाया तो उसने कहा वो क्या चीज़ ले कर रहे हो यार, माशाल्लाह इतनी मज़े की चीज़ आ गई है हमारे घर में। तो आपने भी ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी है यार, बहुत ही क्यूट है। यकीन करें जब ये काटती है ना तो दिल करता है बस ये काटती ही रहे, इतने प्यार से काटती है। ये अपनी तरफ से समझ रही होती है कि ये बहुत ज़ोर से काट रही है। बस जहाँ इसका सामने इसको नज़र आता है ना कोई चीज़, कभी ये जगह कभी कान बाल, ये बस काटना शुरू कर देती है। और अभी अली पता क्या करना है, घर में बताना है कि हमें चार अंडे मिले हैं, ये नहीं बताना सात मिले हैं, वरना फिर घर वाले कहते हैं इतनी सर्दी में लोगों को देसी अंडे मिलते नहीं है और तुम सारे इंक्यूबेटर में रख देते हो, फिर थोड़ी सी बेइज्जती होती है। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको फ्लेमिंगो कैसी लगी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका मेल भी हम ले आएंगे। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।